जगह तो बहुत बढ़िया है यार। मतलब मैंने ऐसे, मतलब मैं तो कांदिवली बोरिवली साइड वाला बंदा हूँ। पारला में इतनी अच्छी जगह और इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी है, हाईवे के पास है, एयरपोर्ट भी पास में है, तो बहुत बढ़िया एम्बियंस रहा, तो बहुत ही कमाल का है। मतलब इसमें मतलब मैं सोचता हूँ कि बहुत ही कमाल का फीडबैक आएगा तुम्हें। यस, खास लगा इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हाईवे के पास भी है, स्टेशन भी है, आई थिंक एयरपोर्ट भी पास में है। मुंबई में ऐसा मिलता नहीं है, ऐसी जगह और इतनी बढ़िया जगह ये बनाई है। वैशाली सावंत, आई कांग्रेचुलेट द टीम ऑफ 1411 फॉर दिस ऑसम प्लेस इन विलेपार्ले ईस्ट। आई थिंक विलेपार्ले ईस्ट को 1411 की जरूरत थी। आई हैव बीन विजिटिंग देयर फर्स्ट ब्रांड ग्रीन हाउस फॉर मेनी इयर्स। पार्ला की शान है और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव कम अप विद दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई एम सून गोना टेस्ट द अमेजिंग फूड ऑफ द ईयर। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द क्विजीन ऑफ 1411। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द फूडीज टू कम एंड ट्राई 1411। द वे दे हैव मेंटेन द क्लास ऑफ ग्रीन हाउस फॉर सो मेनी इयर्स। आई एम वेरी श्योर दैट 1411 इज गोना बी अ स्टेप अहेड। थैंक यू। मुंबई मध्ये महाराष्ट्रामध्ये एक मराठी उद्योजक आपलं एक विश्व निर्माण करतो आणि त्याच्यापैकी एक प्रमुख नाव म्हणजे मुकेश शिपूरकर आणि गौरी शिपूरकर। आज गेले अनेक वर्ष पार्ल्यामध्ये ग्रीन हाऊस नावाने त्यांचे रेस्टॉरंट, त्यांचं जेवण मुंबई भर प्रसिद्ध आहे। जेवणाकरता अख्ख्या मुंबईतनं ठाण्यात नाही लोक इथे येतात आणि आज त्यांची भव्य मोठी वास्तू 1411 1411 ही उभी राहिलेली आहे आणि विशेषतः पार्ल्याच्या सगळ्या एकंदर वातावरणात एखादा 1411 सारखा असं एक रेस्टॉरंट उभं राहणं निश्चित एक गौरवास्पद गोष्ट आहे। आणि तो काही ॲम्बियन्स आणि नुसतं फूड तर आहेत, बाकी सगळ्या गोष्टी आहेत, पण 1411 अगदी मायन्यूटली केलेलं जे काही डिझायनिंग, इंटिरियर डिझायनिंग आहे ते बघायला जरूर या। एक फॅमिली रेस्टॉरंट एका मराठी माणसाचं तुम्ही जरूर या। मी नेहमीच त्यांच्या आधीच्या रेस्टॉरंटला जेवायला यायचो, आता 1411 हा माझ्या एका कुटुंबातला भाग असल्यामुळे मुकेश आणि गौरीशला माझ्या प्रचंड शुभेच्छा आहेत आणि असेच नवनवीन मराठी उद्योजक उभे राहावे। त्यांनी नवीन नवीन मुलांनी मुकेश शिपूरकर आणि गौरी शिपूरकर यांचा आदर्श ठेवला पाहिजे, त्यांच्याकडे बघितलं पाहिजे। शून्यातनं एक माणूस जेव्हा उभा राहतो आणि एवढं भव्य दिव्य एखादं स्वप्न पूर्ण करतो, मला असं वाटतं हे स्वप्न पूर्ण नाही तर ही स्वप्नाची सुरुवात आहे। त्यांना सगळ्यांना माझ्या खूप शुभेच्छा। 1411 बहुत ही स्पेशल जगह है। पहले यहाँ पे ग्रीन हाउस जो रेस्टोरेंट था वहाँ से हमने इतना ज्यादा खाना खाया है, सो टेस्ट और टेस्ट में बेस्ट आई थिंक, और अब वाइब में भी बेस्ट हो गया है। आई थिंक विले पार्ले को जरूरत थी इतने एक सुंदर जगह की जहाँ पे आपको वाइब ऐसी मिले जहाँ पे पार्टी भी कर सकते हैं और होमली खाना भी मिले। और आई थिंक अब बैंगलोर जू से लोग विले पार्ले आएंगे जस्ट टू एक्सपीरियंस 1411। यस, एंड अभी हमारा भी सबसे फेवरेट जॉइंट यही होने वाला है। हम अंधेरी से यहाँ आके पार्टी करने वाले हैं बिकॉज ये हमारे घर जैसा। सो ऑल द बेस्ट टू गार्गी एंड सूर्या एंड टू द एंटायर टीम। मेरे अभी 25 दोस्त और आने वाले हैं आज पार्टी करने एंड विल मेक श्योर कि हमेशा आते रहें। एंड आज की फ्री की पार्टी नहीं, पेड़ पार्टी भी करेंगे यहाँ पे। अभी 3 दिन में नई न्यूज दूंगा मैं आपको। यस यस, नहीं अनाउंस, आप खुद ही मेरे को बोलोगे। I cannot talk about it, but अभी बहुत सारा म्यूजिक आ रहा है, ऐश्वर्या के खुद के सिंगल्स आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव सतरंगा के लिए, आप सबने जितना भी प्यार किया है। यस, वी आर वेरी ग्रेटफुल। आप किस नंबर सतरंगा हम गाने रिलीज होने तक ही सुनते हैं। एक बार रिलीज हो जाता है उसके बाद जनता सुनती है, फिर हम तारीफ सुनते हैं। अगर अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो आगे गाने बनाते हैं। नहीं, हम अपना म्यूजिक, क्योंकि हम जब गाना दे रहे होते हैं तो हमको भी मेक श्योर करना पड़ता है कि सब बेस्ट साउंड दे रहे हैं। हम अपने गाने भी बहुत सुनते हैं बट साइड बाय साइड क्या नया चल रहा है मार्केट में इंटरनेशनली वो भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। मैं अरिजीत सिंह को बहुत ज्यादा सुनता हूँ,
यस एंड सोनू निगम को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है टेलर स्विफ्ट है, एड शीरन है, उनके गाने भी बहुत सुनता हूँ। थैंक यू। सो बेसिकली 1411 इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू प्रोजेक्ट फॉर मी। सो दिस कंसेप्ट इज लाइक 8 years of thought in my head and 7.5 months of execution of what you are actually watching it right now. This is like a baby project for me. After my graduation, I wanted to have some place like this. So this is a speakeasy, not actual speakeasy, but a casual speakeasy bar, which you don't have in the town right now. It is like a dream come true. That's what I can say. सो बेसिकली ये थीम जो है वो एक स्पीक इजी बार जो रहता है, जो 1960 का जो प्रोहिबिशन एरा था अमेरिका में, तभी बहुत सारे इलीगल बार जो बेसमेंट में बने थे उनको स्पीक इजी बार ये टर्म दिया जाता था। सो वो बहुत बहुत कम है मुंबई में, ना के बराबर है। सो दैट इज द एंटायर कंसेप्ट दैट वी हैव ब्रॉट इट ओवर हियर। So it is not an actual speakeasy bar, but it is more of a casual kind of concept. And by audience, we would like to just mention, we want to target people young at heart, young at age, and young in terms of the element fun. Basically all the time. All the time. Whoever wants to have fun, you can come here. We'll make sure that you guys have fun. Yeah. Exactly. Thank you. You see, so basically it is a global, this concept has a global cuisine in a crafted in a unique fusionized way. So for that, you should have to come here to taste it, so you can have an idea what exactly and how great the cuisine is. Obviously. And there are very different types of cocktails, by the way. They are very unique handcrafted cocktails by our mixologist over here. So I'm hoping that everybody over here who are watching this, please do come visit 1411 Bar and Kitchen at Bilipali. Thank you. Yes, thank you so much. Thank you. 1411 खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि खूप छान ॲम्ब्युज आहे याचा, आणि मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी याचा आस्वाद घ्यायला पाहिजे, आणि आमच्या मित्राचे हॉटेल आणखी जोरात चालेल, आमचे खूप सारे मित्र येत आहेत। सो 1411 यासाठी माझ्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। अच्छा मेरे मेरे प्रोजेक्ट्स तो बहुत है, अभी प्रतिपद चंद्र आएगा तो तेजाब सरफरोश बहुत कब से काम कर रहा हूँ। सो ब्रोकन न्यूज अभी मेरी सीरियल आई है, जो वेब सीरीज है वो अभी सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है वो है, और काफी फिल्में हैं तो आएंगी। हिंदी फिल्में काफी है, नहीं आने वाली तो अभी टाइम है, लेकिन बाकी बेबी सरफरोश मकबूल बहुत सारी फिल्में मैं कर चुका हूँ। थैंक यू। देखिए मैं यहाँ पे आई हूँ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस पार्ला, इसमें इतना बड़ा इतना ह्यूज रेस्टोरेंट खुला है, इट्स अ बिग थिंग। वैसे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, बट अभी तक मैं अंदर नहीं गई हूँ तो मैंने अंदर का इंटीरियर नहीं देखा, बट बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और आई एम श्योर अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत होगा, और खाना और एम्बियंस और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सो ऑल आई कैन से राइट नाउ ऑल द बेस्ट, एंड ये जगह बहुत चले और हम लोग भी इसको बोल बताएंगे सबको अपने फैमिली फ्रेंड्स को कि प्लीज डू विजिट हियर। सॉरी पूड़ी, यार हमारे केस में पूड़ी तो नहीं हूँ क्योंकि हमें डाइट करनी पड़ती है, बट हाँ पंजाबी हूँ तो जब खाना खाती हूँ तो बहुत अच्छे से खाती हूँ, तो अच्छा खाना होना चाहिए, सिंपल हो या बहुत सारा स्टाइलिश हो लेकिन खाना बहुत अच्छा होना चाहिए तो मजा आता है, और पब्लिक भी वहीं जाती है जब खाना अच्छा होता है, मानते हैं ना इस बात को, चाहे महंगा हो सस्ता हो खाना अच्छा होना चाहिए। आके एक बाइट और दूंगी, खाना कैसा लगा? बाय गॉड की कसम। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद पार्लेकर हूँ और इस जगह से, इस फैमिली से कई सालों से ताल्लुकात रखता आया हूँ, और यहाँ के खाने से मैं वाकिफ हूँ। ये अभी रिनोवेट हुआ है, नया 1411 खुला है,
लेकिन ग्रीन हाउस, उसके शेफ, उसका खाना कई सालों से खाता आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे दोस्त और उसकी फैमिली एक ऐसा जॉइंट खोल रहे हैं, तो दुनिया भर से लोग यहाँ आएंगे, खाना खाएंगे, इस माहौल का लुफ्त उठाएंगे, मज़े करेंगे और भरपेट दुआएं देकर यहाँ से जाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है। जय महाराष्ट्र। इनके मेरे प्रोजेक्ट, अरे मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वेब सीरीज आ रही है, मेरे प्लेज आ रहे हैं, मेरी फिल्में आ रही है, तो मराठी फिल्में अगर आप देखते हो, मराठी नाटक देखते हो, तो मुझे देखने के लिए आपको थिएटर में आना होगा। मेरी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है एक नंबर, एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है समसारा, दोनों अलग किस्म की फिल्में हैं, एक सस्पेंस थ्रिलर है और एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, तो शायद इस साल ये रिलीज हो जाएगी, तो आप उसे ज़रूर देख लें। थैंक यू। हाँ तो ये बहुत ही, इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड प्लेस फॉर एवरीबडी टू कम, एंड मैं तो अभी अंदर जाने वाली हूँ, आने के बाद ज़रूर बताऊँगी कि मुझे कैसा लगा, एंड डू फॉलो मी एट भावना अग्रवाल ऑफिशियल। तो गाइज आई थिंक सब लोगों को विजिट करना चाहिए 1411 बार एंड किचन, नया खुला है, अभी हम लोग अंदर जाएंगे तो देखते हैं कैसा माहौल है, आपको ज़रूर हम लोग फीडबैक देंगे। डू वॉच ऑन आवर स्टोरीज, थैंक यू सो मच।